हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो बच्चे आज करेंगे क्लास प्लस वन का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर फोर एनिमल किंगडम ठीक है तो इसमें हम फाइलम एंड क्लासेस करेंगे मींस एनिमल्स की स्टडी करेंगे ठीक है जी तो सबसे पहले हम करेंगे इसके कंप्लीट फाइलम और नेक्स्ट करेंगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एनिमल किंगडम में सबसे पहला फाइलम जो है वो है हमारे पास पॉरीफेरा फाइलम

तो मरीन वाटर कौन सा होता है वो वाला वाटर जिसमें सॉल्ट होता है नमकीन पानी होता है ठीक है तो उसके अंदर ये लिव करते हैं तो इसकी जो सिमेट्री है मींस एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल मींस इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं है इसकी कोई भी प्रॉपर शेप डिजाइन कुछ भी नहीं है तो इसकी सिमेट्री क्या होगी एसिमेट्रिकल ठीक है तो नेक्स्ट वन है प्रिमिटिव प्रिमिटिव मींस जो सबसे पहले पाए जाते हैं जो सबसे

पॉरीफरा फाइलम के अंदर ठीक है दो मेन चीजें होती हैं एक तो होता है ऑस्टिया और एक होता है ऑस्कुलम ठीक है जैसे कोई भी बॉडी है फाइलम के अंदर जो भी हम एग्जांपल्स करेंगे जैसे स्पॉन्जेज आगे साइकोन आगे तो उसकी बॉडी के बाहर छोटे छोड़ छोटे पोर्स होते हैं ऐसे ठीक है दैट पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया और इस ऑस्टिया की प्रेजेंस से वाटर नेक्स्ट अंदर एंटर करेगा ठीक है तो नेक्स्ट वन है हमारे पास ऑस्कुलम जो ऑस्कुलम है उसकी हेल्प से वाटर बाहर आउट होएगा स्पॉन्जोसोल इज अ कैविटी ठीक है तो ये वाला जो है ठीक है ग्रे जो कलर का दैट इज कॉल्ड एज वाटर तो वाटर एंटर किसकी हेल्प से करेगा ऑस्टिया और बाहर किसकी हेल्प से निकलेगा ऑस्कुलम की हेल्प से निकलेगा तो लिखा है हमने

तो एक तो है कि फूड को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा और जो भी बॉडी में वेस्ट होएगा उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने में हेल्प करेगा इसके अंदर जो डाइजेशन होगी मींस फूड की डाइजेशन होगी जो भी ये वाले ऑर्गेनिज्म फूड खाएंगे उसकी जो डाइजेशन होगी दैट इज इंट्रा सेलुलर इंट्रामींस इन साइड द सेल इंट्रामीस इन साइड सेलुलर मीन्स सेल की सेल की बॉडी के अंदर इसके अंदर क्या होगी डाइजेशन होगी तो इसका जो स्केलेटन है मीन्स जो बोन्स का स्ट्रक्चर स्केल्टन हम बोलते हैं उसका वो किससे बना है दो चीजों से एक तो है स्क्यूल्स एक तो है स्पॉन्जिन रहे हैं कि इन केस ऑफ पॉलिफेराफाइलम जो इसका स्केल्टन है वो किससे बना है दो चीजों से एक तो है स्क्यूल्स एक है स्पॉन्जिन फाइबर तो बच्चे वन वन मार्क मार्के क्वेश्चन से आप सभी बच्चे निकालने हैं तो नेक्स्ट वन है हमे ये भी वन वर्क का क्वेश्चन आता है कि हर्मेफ्रोडाइट बच्चे एक कॉमन एग्जांपल है जो बहुत सारे टॉपिक्स में ये यूज होगी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हर्मेफ्रोडाइट हर्मेफ्रोडाइट मींस सेक्सेस सेक्स इज आर नॉट सेपरेट मींस कोई भी एक बॉडी होगी उसके अंदर ही मेल एंड फीमेल पार्ट होएगा सो दैट इज वाई सेक्स इज आर नॉट सेपरेट मेल और फीमेल सेपरेट नहीं हुएंगे तो लिखा है ना इन्होंने सेक्स आर नॉट सेपरेट वन इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस पॉम एंड एग एक ही इंडिविजुअल हुएगा वो ही टू काइंड ऑफ गमिट्स प्रोड्यूस करेगा एक तो करेगा स्पर्म और दूसरा गमिट कौन सा होएगा एग लेकिन आप सभी बच्चों ने पढ़ा है कि जो स्पर्म है वो मेल प्रोड्यूस करता है जो एग वो फीमेल प्रोड्यूस करती है ठीक है मीन्स मेल अपना गमिट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल अपना गमिट प्रोड्यूस करेगी बट वट इज हर्मेफ्रोडाइट हर्मेफ्रोडाइट मीन्स कि सेक्सेज आर नॉट सेपरेट एक ही इंडिविजुअल होएगा विच इज एबल टू प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्ट दैट इज स्पर्म एंड एग

एक तो इसकी जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी जो भी गमेट्स की फ्यूजन होगी वो बॉडी के अंदर होगी तो लार्वल स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट तो सभी बच्चों ने पढ़ा है कि लार्वल स्टेज होती है जैसे इन फ्रॉग उसमें भी लार्वल स्टेज होती है जो लार्वल स्टेज है वो एडल्ट से डिफरेंट है तो इसके बाद बच्चे मैंने फोर दी आप कोई भी दो एग्जाम्पल्स कर सकते हो जैसे साइकोन हो गया स्पॉन्जेस हो गया ठीक है जी तो इसके जो डायग्राम है साइकोन और स्पॉन्जेस के तो बच्चे आप देख सकते हो इसमें आपको प्रॉपर शो किया है आपको बच्चे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप देख सकते हो और मेन आपने फोकस जो करना है वो आप थ्योरेटिकल पोर्शन पर करना है ठीक है तो

पॉरीफेरा फाइलम तो नेक्स्ट वन है हमारे पास सिलेंट्रेटा जो सिलेंट्रेटा है ठीक है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चे मींस पानी में रहने वाले हैं तो मरीन मरीन फ्री स्विमिंग मेरी नमकीन पानी में जो इसकी सिमिट्री है वो कौन सी है रेडियल रेडियलिट्री तो फाइलम में हमने आपने क्या किया जो इसकी वो एस्मिट्रिकल है वो ए समिट्रिकल है ए समिट्रिकल मीनस उसकी बॉडी की कोई डिजाइन शेप नहीं है बट इन केस ऑफ सिलेंट्रेटा इसमें सिमिट्री कौन सी होगी रेडियल सिमिट्री होगी एंड दे यूज फॉर कैप्चर ऑफ प्रे जो सिलेटा है वो प्रे को क्या करेंगे कैप्चर करेंगे अब प्रे क्या है जैसे लीज है ठीक है वो मॉस्किटो को खाती है ना तो मॉस्किटो क्या हो प्रे हो गया तो लीज क्या तो इस केस में क्या जो रेटा है जो भी इसका फूड होएगा दैट इज प्रे उसको कैप्चर करते हैं ठीक है खाते हैं उसको कैप्चर तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप की है टिश्यू लेवल तो बच्चे पॉरीफेरा में हमने की थी सेलुलर तो उससे ज्यादा एडवांस कैटेगरी आ गई टिश्यू लेवल ठीक है क्योंकि सेल बनता है उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एस टिश्यू तो पॉरिफेरा में जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा सेलुलर बट इन केस ऑफ सिलेंट्रेटा इसमें कौन सा होएगा टिश्यू लेवल नाउ विच इज डिप्लोब्लास्टिक मींस टू ओके okay, जो सिलेंट्रेटा है इसकी बॉडी क्या है टू जर्म लेयर्स से बनती है टू जर्म तो बच्चे ये वाला वर्ड आपको बहुत ही जगह मतलब हर एक टॉपिक में रिपीट होगा ये वाला डिप्लोब्लास्टिक हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया तो मींस टू इट मींस सिलेंट्रेटा की जो बॉडी है वो कितनी जर्म से बनेगी टू जर्म से बनेगी नाउ नेक्स्ट वन है हमारे पास इसमें क्या होएगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैिटी इज प्रेजेंट दैट इज सिंगल ओपनिंग इसके अंदर एक कैविटी होती है खाली जगह होती है विच इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी फॉर एग्जांपल ये इसकी बॉडी होगी इसके अंदर एक कैविटी हुई खाली जगह होएगी दर इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी डाइजेशन होगी इसकी टू टाइप्स की बट पॉरिफेरा में हमने किया इंट्रा लेकिन यहाँ पर टू टाइंड ऑफ हैं एक तो है इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलर इंट्रासेलर मीनस बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन का होना सॉरी डाइजेशन का होना और एक्स्ट्रा सेलोर बॉडी के बाहर इसकी डाइजेशन का होना अब देखो इसमें जो स्केल्टन है इसका जो बोनी सिस्टम है ठीक है हड्डियों का ढांचा है वो किससे बनता है विच इज मेड अप फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट वन मार्क का क्वेश्चन आ गया सिलेंड्रेटा में जो इसका स्केल्टन अगर आपसे पूछा जाए तो किससे बने तो आपका आंसर क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट से होएगा सो दे एग्जिबिटेड टू टाइप्स ऑफ बेसिक बॉडी फॉर्म्स इसके अंदर टू तो तरह की बॉडी की बेसिक की डिजाइन होती है टू टाइप्स ऑफ होती है इसकी फॉर्म्स एक तो है पॉलिप्स एक तो है मड्यूजा पी ओ एल वाई पी एस ठीक है पॉलिप्स तो बच्चे आई नहीं डालोगे पी ओ एल वाई पी एस तो पॉलिप्स प्रोड्यूस मड्यूजा बाय ए सेक्शुअल मैथड पॉलिप से जो मड्यूजा की फॉर्मेशन होगी वो किस मेथड से होगी ए सेक्शुअल तो मड्यूजा से जो पॉलिप्स की फॉर्मेशन होगी वो किस मेथड से होगी मेथड तो आप पॉलिप्स और मड्यूजा का डायग्राम भी देख सकते हो अभी ये देखो ये हो गया पॉलिप्स और ये क्या होगा मड्यूजा तो पॉलिप्स से जो मड्यूजा की फॉर्मेशन होगी वो कौन से मेथड से होगी ए एसेक्सुअल तो मड्यूजा से जो पॉलिप्स की फॉर्मेशन होगी वो किस मेथड से होगी सेक्सुअल मेथड तो इसके डायग्राम करने की जरूरत नहीं है बच्चे आपको सिर्फ आप देख सकते हो कि कि पॉलिप का डायग्राम कैसे होता है या मेड्यूजा का डायग्राम कैसे होता है ठीक है तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये हो गया एग्जाम्पल आप करोगे एडेम्जिया एडेम्जिया की स्पेलिंग रॉन्ग है ए डी ए एम एस आई ए ये आप लिखोगे ये ये वाले रहने दो एडेम्जिया की स्पेलिंग क्या है ए डी ए एम एस आई ए तो बच्चे आज क्या किया हमने टू uh, अपने हमने फाइलम किए एक तो हमने किया पॉलीफेरा फाइलम ठीक है जी तो उसके बाद दूसरे वाला फाइलम जो किया हमने किया सिलेंट्रेटा वाला फाइलम ठीक है तो इसके हमने जर्नल करैक्टर्स किए आपको ये टू मार्क में थ्री मार्क में फोर मार्क में भी टोटल पूरा क्वेश्चन आ सकता है टॉपिक आ सकता है लेकिन इसमें आपने वन वन मार्क के क्वेश्चंस पक्का आपने लर्न करने सो नाउ दिस इज एंड ऑफ द टॉपिक थैंक यू